दोस्तों, अगर आप स्टूडियो सेटअप AI फ़ोटो क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बेहतरीन पिक्चर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दोस्तों एक पर्सन होता है, बैठा हुआ रहता है स्टूडियो सेटअप में, और पीछे बैकग्राउंड में RGB लाइट के साथ में बहुत सारा यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसे एक क्लिक में बना सकते हैं। सिर्फ प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है और एक एप्लीकेशन की आवश्यकता है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट में भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए जानते हैं स्टूडियो सेटअप AI फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे akonlinesupport.com। akonlinesupport.com लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं YouTube स्टूडियो रूम AI फोटो एडिटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये पोस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपली इस सर्च आइकन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम टाइप करके जब आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप इस फोटो पर क्लिक कर सकेंगे। अब आप इस फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, तो इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के लिए सिंपली आप यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन आ गया है। तो कॉपी करके आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जिस एप्लीकेशन का नाम है बिंग इमेज क्रिएटर, गूगल प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ आप अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऐप्स का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज क्रिएटर, ठीक है। इमेज क्रिएटर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ईयर है तो आप यहाँ पे 18 या फिर 19 या 16 जो भी देना चाहते हैं आप अपने एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दीजिए। और कुछ कुछ अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और सिंपली क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इमेजेस बन करके आ जाएगा। फिर आपको जो भी इमेज अच्छा लगता है उस इमेज को आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको उस इमेज पर एक बार टैप करना है। आपके सामने इमेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। फिर आप 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके AI इमेज को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। जो भी इमेज डाउनलोड करना है सिंपली इस पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ट्रेंडिंग प्रॉम्प्ट आते हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।